दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। पबजी की लत को लेकर विवाद के बाद बहन के मंगेतर को मारा चाकू। मुंबई। पबजी गेम खेलने के आदि एक युवक को जब मोबाइल चार्जर का वायर कटा हुआ मिला तो वह नाराज हो गया। इस बात को लेकर युवक का अपनी बहन से विवाद शुरू हुआ, फिर बीच बचाव करने वाले उसके मंगेतर को चाकू मार दिया। यह घटना थाने जिले के कल्याण इलाके की दर्शाई जाती है, जहां आरोपी युवक का नाम रजनीश राजभर, उम्र 27 साल बताई जा रही है। राजभर कुछ दिनों पहले मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था, इसी दौरान फोन की बैटरी उतर गई। राजभर ने मोबाइल चार्जर देखा तो उसका वायर कटा हुआ था। उसने अपनी बहन पर आरोप लगाया कि उसने ही मोबाइल के चार्जर का वायर काटा है। बहन ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन नाराज राजभर ने बहन के लैपटॉप का चार्जर काट दिया। इसके बाद घर में मौजूद राजभर की बहन के मंगेतर ओम भवटनाकर ने बीच बचाव की कोशिश की तो राजभर उससे भी उलझ गया। इसके बाद ओम ने राजभर को पबजी की लत को लेकर फटकारा। नाराज राजभर ने घर में रखा चाकू मारकर ओम को घायल कर दिया। ओम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ओम की शिकायत पर कोलसेवाड़ी पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पबजी की लत ऐसे की अपने ही बहन के मंगेतर को चाकू मार दे, क्या ये सही है? तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।